चलिए भाई, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर हम कंप्लीट आज CGAT का जो आंसर कीज है उसको हम आज टैकल करेंगे। और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे रिव्यू तो पहले ही करा चुका हूँ, बट आज हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। देखो, यहाँ पर पूछा गया है, सारा सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ACC 126 का जो पेपर था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर है। एक एक क्वेश्चन को देख लेना। द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरीज, यहाँ पर आएगा इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है ना। जो मैगिनॉट लाइन है, इंटरनेशनल बाउंड्री कहाँ पर है, वो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन आती है, लेकिन तुम लोग मानते नहीं हो। और मैं आज फिर से कहता हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे। जो भी पूरा पढ़ाया गया था, जो भी पूरा ACC 126 के लिए पढ़ाया गया था, वो कंप्लीट अपना स्टडी मटेरियल और यहाँ पर अपने नोट्स में से था, ध्यान रखना, एज इट इज डिट्टो कॉपी था। कहाँ से? जो स्टडी मटेरियल आप लोगों को दिया गया था, प्लस में जो आप लोगों को ऑनलाइन का जो अपना बैच था, वो जो सारी चीज दी गई थी, मतलब जो 6 महीने की मेहनत थी, वो आज अपने यहाँ पर क्या है, काम आई है पेपर में। और बड़ी खुशी होती जब मेरे जवान बहुत अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, और इस बार वादा है कि टॉप 100 देंगे, ध्यान रखना, टॉप 100 में रैंक देंगे। और आप लोग जानते हैं यंग लीडरशिप कोर्स के लिए यहाँ पर क्या है, शुरुआत है। जो लोग ACC 127 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज कीजिएगा, प्लीज इट्स ए रिक्वेस्ट, मैसेज कीजिएगा। और 127 के लिए क्लासेज जो शुरू हो रही हैं, वो 1 अप्रैल से यहाँ पर क्या है, वो बैच यहाँ पर क्या है, स्टार्ट हो रहा है। तो टिल दैट यू हैव टू फोकस, हार्ड वर्क करना है, इस नंबर पे फटाफट व्हाट्सअप करना है, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर पेपर और ऑनलाइन कोर्स पूरा बेनिफिट रहेगा। अब आते हैं जरा वापस इसके ऊपर। यहां पर देखिए, हाउ मेनी मेंबर ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड, यहां पर क्या आएगा, 545, बिल्कुल सही आंसर है। द पर्पस ऑफ द हिमायत स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज, यहां से आंसर क्या आएगा, 4 में D आएगा, इंपार्ट प्लेसमेंट लिंक स्किल डेवलपमेंट टू द यूथ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। व्हाई डज पूरी स्वेल अप व्हेन फ्राइड, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर ये डाउटफुल केस, इसके ऊपर क्या है, ये डाउटफुल केस है, एक बार जरा इसको चेक कर लेना। आई थिंक मैं पूरा श्योर नहीं हूं इसके लेकर, ठीक है, दिस इज नॉट श्योर, ये क्वेश्चन का जो ऑप्शंस है मैं उसके लिए श्योर नहीं हूं, तो ये मेरी तरफ से डाउट में है, क्या है, मेरी तरफ से ये डाउट में है, मैं पूरा श्योर नहीं हूं इसको, तो इसलिए आप अवॉइड कर दिएगा। 6 में जो देखेंगे, विच बैट्समैन स्कोर 3 सेंचुरी सक्सेसिव टेस्ट ऑन डेबिट, तो यहाँ पर 6 में क्या आएगा, ये आई थिंक यहाँ पर आप आंसर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोगों को आंसर देखने की जरूरत है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 6 में विच बैट्समैन स्कोर्ड 3 टेस्ट सेंचुरी इन 3 सक्सेसिव टेस्ट ऑन डेबिट, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, सचिन तेंदुलकर आंसर होगा, अजरुद्दीन आंसर होगा, या फिर राहुल द्रविड़ या सुनील गावस्कर, यहाँ पर आप देखना जरा ये सवाल, सचिन तेंदुलकर है या मोहम्मद अजरुद्दीन है, इसको आप लोग यहाँ पर क्या एक बार जरूर वेरीफाई कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। देखो जो एग्जैक्ट मैं जो बता रहा हूं, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक बेस, मतलब इनको आप अवॉइड, किसी को नहीं पता होगा यार, याद नहीं होगा। अब 3 टेस्ट सेंचुरी और तीनों ही सक्सेसिव टेस्ट, लगातार 3 टेस्टों में 3 शतक लगाना है ना, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक बेस होते हैं, इन क्वेश्चनों को आप छोड़ दिया करो एग्जाम में भी, हालांकि तुक्का मारना अप टू यू है, लेकिन ऐसे ऐसे सवाल क्या है, नहीं आते किसी को भी सवाल, वहीं पर अपना युद्ध हम लड़ सकते हैं जहां पर सर्टेनिटी होती। और मैं हमेशा कहता हूं कि हर चीज पढ़ोगे तो फेल होने की चांसेस है, इसीलिए स्टैटिक GK इज लाइक ए ओशियन, समुंदर है, हर चीज नहीं पढ़ सकते उसके अंदर, हर चीज क्या हम लोग नहीं पढ़ सकते, वहां पर ध्यान रखना। द ऑथर ऑफ द मालगुड़ी डेज, अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन क्या है, द ऑथर ऑफ द मालगुड़ी डेज, यहां पर क्या इसका आंसर है, वो हमने को यहां पर क्या है देखना है। तो आई थिंक द राइट ऑप्शन इज आई थिंक RK नारायण है। एंटी टैंक मिसाइल यहां पर क्या है, ध्यान रखिएगा, एंटी टैंक मिसाइल यहां पर क्या है, नाग होगी, ध्यान रखना। द बिग बैंग थ्योरी यहां पर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हम अगर 9 की बात करें, आई थिंक द राइट ऑप्शन इज क्या है, बी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है। व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ झेलम रिवर की, जब हम बात करते हैं ओरिजिन पॉइंट ऑफ झेलम रिवर की हम बात करते हैं, दैट इज द वेरी नाग, यहां पर शेषनाग वेरी नाग पड़ता है, मैंने पहले भी कहा था, जिसके पीछे रूट वर्ड नाग आ जाए, क्या आ जाए, इसके पीछे रूट वर्ड नाग आ जाए, वो यहां पर क्या आंसर आएगा,
वो यहाँ पर ध्यान रखना यही आएगा जो जम्मू कश्मीर में होगा। तो शेषनाग, वेरीनाग, अनंतनाग, कोसरनाग, नागिन, बेसिकली लेक्स है ध्यान, बेसिकली क्या है ये, यहाँ पर क्या है ये लेक्स है। अगर मैं 11 की बात करूँ, द फॉलोइंग फूड विच इज बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, आई थिंक द राइट ऑप्शन फॉर द 11 नंबर इज बी, फिश इज द राइट। ठीक है, वेयर इन इंडिया वन हॉर्न डायनासोर इज फाउंड, आई थिंक द राइट ऑप्शन इज काजीरंगा है। अफगानिस्तान डज नॉट हैव ए कॉमन बॉर्डर विद रशिया, यहाँ पर क्या है आंसर ध्यान रखना आएगा, ये रशिया के साथ नहीं है। डैश बिकम द फुल फ्लेज स्टेट इन द ईयर 1972, देखो एक स्टेट के बारे में पूछा गया है कि कब इसको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, आई थिंक द 14 इज में, द 14 इज सी, बोथ ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन। विच कंट्री हैज अडॉप्टेड ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इन ऑर्डर टू डिफाइन इंडेक्स ऑफ वेल बींग ऑफ द सिटीजन्स, तो यहाँ पर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, द राइट ऑप्शन इज आई थिंक भूटान इज द राइट ऑप्शन है यहाँ पर इसका, भूटान को देखना। 16, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, ध्यान रखना केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वाटर इज H2O, यहाँ पर है ध्यान रखना। नेक्स्ट, नेम द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम हु वॉन ब्रॉन्ज एट टोक्यो ओलंपिक, तो यहाँ पर कौन थे इसका कैप्टन का ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में द राइट ऑप्शन इज मनप्रीत सिंह। ठीक है, तो डायरेक्ट भी यहां से क्या है आप लोगों को देखने को मिला है। नाउ डूडलिंग इज अ फॉर्म ऑफ, यहां पर क्या है डूडलिंग इज ए फॉर्म ऑफ, ध्यान रखना आर्ट आएगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस प्लानिंग कमेटी सेटअप इन अप्रैल 2018, तो क्वेश्चन नंबर 19 में राइट ऑप्शन यहां पर क्या है, राइट ऑप्शन यहां पर बी है ध्यान रखना। व्हाट डज रोटेशन ऑफ अर्थ कोज, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 19 द राइट ऑप्शन इज बी, सीजन की बात हो रही है। विच रीजन ऑफ इंडिया इज नोन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया, ध्यान रखना 21 में द राइट ऑप्शन इज अगेन व्हाट, द 21 इज कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन, यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड, तो क्वेश्चन नंबर 22 में यहां पर क्या आएगा, 22 में बी आएगा, 7 अप्रैल यहां पर आंसर है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद शूट ए ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर हु दे थॉट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरिंग जलियांवाला बाग मैसेकर, इन टू पब्लिक सेफ्टी बिल, मर्डर ऑफ लाला लाजपत राय एंड ऑर्डरिंग ऑफ हैंगिंग ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल, तो यहां पर हम 23 में देखो इन दोनों में ही साला डाउट हो गया। देखो सांड्रस की हत्या उन्होंने की थी, तो यहां पर क्या है ऐसा मानते हैं लाला लाजपत राय को साइमन जो कमीशन था लाठीचार्ज हो गई थी, तो आई थिंक सी वुड बी द राइट ऑप्शन है। हु फॉलोइंग प्रेजिडेंट ऑफ द यूएस हैड ओनली वन टर्म इन ऑफिस, बताओ एक टर्म में कौन था, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप था, हालांकि बराक ओबामा दो बार रहे, बराक ओबामा यहां पर क्या दो बार है, डोनाल्ड ट्रंप एक बार है। इन इंडिया हेल्थ इज अ सब्जेक्ट, हेल्थ किसके सब्जेक्ट में आता है बताओ, हेल्थ यहां पर क्या स्टेट का सब्जेक्ट है, ध्यान रखना किसका सब्जेक्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वाज विल बी अबॉलिश बाय द जीएसटी, अब जीएसटी वाले केस में कौन सा टैक्स अबॉलिश होगा, देखो फिर ध्यान से, आई थिंक द सर्विस टैक्स विल बी अबॉलिश, यहां से क्या सर्विस टैक्स क्या अबॉलिश होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, सबको पता है सिस्मोग्राफ, यहां पर क्या आएगा राइट ऑप्शन इज क्या है, 26 में ए है ध्यान, सिस्मोग्राफ। विच गेम इज द आगा खां का, फुटबॉल से, किससे है बेटा फुटबॉल से, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे। और ये कितनी बार मैंने स्ट्रेटेजी को तुम्हें ऑनलाइन बैच में पढ़ाया है कि बेटा इसको खासकर स्टडी मटेरियल तुमको एज इट इज दिया है, वो स्टडी मटेरियल में अलग अलग ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, स्ट्रेटेजी के, हेडक्वार्टर्स के, करेंसी, कैपिटल, ये सब के अलग अलग नोट्स दे रखे हैं। अगर वो भी तुम पढ़ ले तुम्हें बेनिफिट बहुत जबरदस्त होने वाला था, उसके लिए भी क्या बेनिफिट तुम्हें बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट यहां पर क्या तुम्हें होने वाला था। पॉपुलर हिंदी फीचर फिल्म लक्ष्य इज बेस्ड ऑन द स्टोरी, वो बताओ अब लक्ष्य किसके ऊपर बेस है मुझे बताना। 29 में यहां पर क्या ऑप्शन आएगा, द राइट ऑप्शन इज सी, इंडो पाक वॉर के ऊपर है। तेजस क्या है, तेजस तेजस, अब यहां पर क्या है कमाल कर दिया इसने, गलत आंसर किया है, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं भाई, वो INS विशाल विक्रांत है, ये लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है जो इंडिया ने खुद बनाया है। व्हाट कॉजेस सोलर विंड, यहां पर क्या है व्हाट कॉजेस सोलर विंड, तो 31 में ऑप्शन इज ए, एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग लेयर एज वी गो फ्रॉम द सर्फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जाएंगे तो यहां पर क्या रहेगा एग्जैक्ट, जो है सर्फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ जाए तो 32 में राइट ऑप्शन क्या रहेगा, दैट इज क्रस्ट, मेंटल और कोर, सबको पता है इस प्रकार से आते हैं, ऊपर लेयर क्या होती है क्रस्ट, क्रस्ट मेंटल और क्या होती है यहां पर कोर होती है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस का नाम इस बार आया, द राइट ऑप्शन इज क्या आएगा, नेसल कॉग्निशन एंड द हेडेक इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट एयर स्ट्रिप ऑफ इंडिया विच वेयर रिसेंटली C-30 लैंडेड, अब बताओ भाई चाइना वाला फंडा था तो ले में गया था, वेयर इज द ब्लैक सी, ब्लैक सी लोकेटेड कहां पर होगा, सबको पता है रशिया के पास है, क्रीमिया का जो फंडा चला था क्रीमिया को पिछली बार रशिया ने अपने अंडर में ले लिया था। व्हाट क्राइम्स कैन NIA इन्वेस्टिगेट, NIA काम क्या होता है ना, NIA हमेशा टेररिस्ट अटैक को इन्वेस्टिगेट करता है, ध्यान रखना। नो योर कस्टमर रेगुलेशन हैव बीन इंट्रोड्यूस इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अंडर द रेगुलेशन ऑफ, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 37 द राइट ऑप्शन इज बी, प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यहां पर क्या है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहां पर क्या देखने को मिल रहे हैं। अभी भी कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं 6 महीने का समय है, मतलब पेपर अब अगस्त में होगा
है ना, अपने पास अप्रैल पूरा है, मई पूरा है, जून पूरा है, ध्यान रखना जुलाई पूरा है, अपने पास अगस्त है, तो 1, 2, 3, 4, 5 वी हैव अप्रोक्स 5 मंथ्स, ध्यान रखना ये 5 महीने का फंडा है, 5 महीने का फंडा है, और हमारा जो 6 महीने का बैच है जिसमें स्टडी मटेरियल तुमको मिलेगा, साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, प्लस में तुमको जो ऑनलाइन कोर्स मिलने वाला है, रेगुलर वीडियोस ऑफ सेक्शन वाइज, लाइक जीमैट के अलग से, जीमैट में मैथ और रीजनिंग अलग से आएगा, सीजीएटी अलग से आएगा, ध्यान रखना, देन वी हैव आईसीई 1 एंड आईसीई 2 आएगा, वो अलग से आएगा, देन वी हैव यहां पर ध्यान रखना एसीटी आएगा, तो सबका अलग अलग फंडा यहां पर क्या अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चारों जो मिला के पूरा चीज है, 6 महीने का कोर्स 15,000 का है, और यहां पर आपको वाया एपीओ से स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, 56 एपीओ हो या फिर क्या है 99 एपीओ हो, तो दैट विल गिव यू हाईली बेनिफिशियल यार, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको एक साल के कोर्स के लिए आना, 1 ईयर कोर्स अगर आपको करना है हमारे साथ, तो दैट इज 20 के, एक साल 20,000 रुपए है, 2,000 रुपए महीना भी नहीं पड़ रहा आप लोगों को, ठीक है। वो मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को बेस्ट मैं यहां पर दूं, और पेपर देखो कौन रोकेगा तुमको यार, टॉप 100 का रैंक इस बार, टॉप मुझे लगता है जिस प्रकार बच्चों ने तैयारी की, इस बार टॉप 20 भी आपको दिखाऊंगा, ध्यान रखना, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी, ध्यान रखना, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी, द राइट आंसर इज इनेमल, हु वॉन द विमिल्डन इन द वुमेन सिंगल्स, विमिल्डन इन द वुमेन सिंगल, द राइट ऑप्शन इज एशलेक बार्टी, विच वन ऑफ दीज इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल, ध्यान रखना, तो 40 में राइट आंसर आएगा बी, हू बिल्कुल सही कहा है, एज पर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज परमिटेड इन द डिफेंस अंडर द ऑटोमेटिक रूट अप फॉलोइंग लिमिट, कितने परसेंट तक है ध्यान रखना, 41 में ध्यान रखना, यहां पर 74% इसका राइट ऑप्शन है, ध्यान रखना, कुछ अगर गलत हो तो प्लीज बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, व्हाट डज द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट, 42 में द राइट ऑप्शन इज डी, टेम्परेचर है, व्हाट डज लाइट ईयर मेजर, लाइट ईयर आप लोग जानते हैं क्या मेजर करता है, बहुत आसान सवाल है, दैट डिस्टेंस मेजर करता है, विच डिजीज नॉट कॉज ऑफ बैक्टीरिया, कितनी बार कहा है बैक्टीरिया डिजीज से, डिजीज विटामिन से क्वेश्चन पक्का आता है लेकिन तुम मानते नहीं हो, दैट ऑप्शन इज टेटनस, ध्यान रखना, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ द एम्पायर, हु, ध्यान, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, आलम शाह, ध्यान रखना 45 में राइट ऑप्शन इज इल्तुतमिश, 1211 से लेकर 1236 तक का टाइम पीरियड था, 25 साल तक रूल किया, ध्यान रखना, द फेमस पेंटिंग मोनालिसा क्रिएशन विच आर्टिस्ट, देखो पिटा हुआ क्वेश्चन है, कितनी बार आ चुका है, मैं फिर से कहता हूं राइट ऑप्शन इज बी, बी यहां पर क्या इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि लियोनार्डो दा विंसी लिखा हुआ है, एक बार 46 की बात कर रहे हैं ना, वेट अ मिनट भाई, बिल्कुल सही है, वेट अ मिनट, मैं कुछ गलत कर गया, रुको एक मिनट रुको, 45 इज बी, ठीक है, 46 इज डी, बिल्कुल सही है, द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव्स पावर फ्रॉम, द राइट ऑप्शन इज व्हाट, ए, बिल्कुल सही है, 48 वी हैव द राइट ऑप्शन इज सी, ध्यान रखना, डायरेक्ट टैक्सेशन इज अ बेटर फॉर्म ऑफ टैक्सेशन बिकॉज इट अलाउज द टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू मीन, यहां पर है राइट, बिल्कुल सीधे आंसर आपके दिख रहे हैं, 49 की बात करूंगा तो यहां पर राइट ऑप्शन अपना आएगा डी, द आइस हैज लेसर फ्रिक्शन देन द रोड, 50 की बात करूंगा तो 50 में आएगा सी, ध्यान, ओलंपिक सिंबल कॉम्प्राइज ऑफ 5 रिंग्स और सर्कल लिंक टूगेदर, ठीक है, स्पोर्ट फ्रेंडशिप ऑल पीपल एंड 5 कॉन्टिनेंट, बिल्कुल सही है, बहुत है एंड भी, द प्रिंसिपल डांस ऑफ नॉर्थन इंडिया एंड वाइडली पार्टिसिपेट इन यूपी राजस्थान दिल्ली इवन द पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, तो यहां पर ध्यान रखना द राइट ऑप्शन इज ए, कथक बिल्कुल सी है, व्हाट इज द इंडियाज फर्स्ट इंडियन एयरक्राफ्ट, IAB, ध्यान रखना ये सवाल है, द राइट ऑप्शन इज अगेन ए, ठीक है, एंड्रोमेडा इज क्या है सब जानते हैं, द राइट ऑप्शन इज सी, कई ने डिस्टेंस, देखो बहुत सारे बच्चों ने तुक्के मार रखे हैं यार, बिल्कुल मतलब ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है कुछ भी, ढंग से नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि पढ़ाने वाला है ही नहीं, एक दो चैनल उन्होंने कभी खुद आज तक ACC एग्जाम नहीं दिया, बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं, तो कैसे पास हो पाओगे तुम लोग यार, अभी देखना नए बैच के लिए टीम कैसे इंट्रोड्यूस करता हूं ना, राइट ऑप्शन इज 54, विच रिवर फ्लोज बिटवीन द सतपुड़ा एंड विंध्य, सबको पता है यहां पर राइट ऑप्शन नर्मदा है, गंडक लगा रखा है, बताओ भाई क्या बात कर रहे हो यार, गंडक गंगा की सहायक नदी है बॉस, गोमती गोदावरी दक्षिण की बात कर रहा हूं, ताप्ती नर्मदा, ये देखो दोनों ऑप्शन थी लेकिन राइट ऑप्शन क्या है पर नर्मदा, ध्यान रखना, द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड, बताओ वुहान में हुआ था सबको पता है, 55 राइट ऑप्शन इज सी, वो इज बिगेस्ट डैम, रंजीत सागर, हीराकुंड डैम, सरदार सरोवर, नागार्जुन, अब देखो यहां पर लोचा हो गया, यहां पर क्या है लोचा होगा, द राइट ऑप्शन इज हीराकुंड डैम, 4.8 किलोमीटर का डैम है, ध्यान रखना 4. लोंगेस्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लोंगेस्ट की, ये गलत है, राइट ऑप्शन हीराकुंड डैम, गोदावरी के ऊपर संबलपुर उड़ीसा में, ध्यान रखना, हेडक्वार्टर ऑफ EU क्या है, हेडक्वार्टर ऑफ ब्रुसेल्स बेल्जियम, ये भी गलत कर रखा है, इन द केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट द जॉइंट सिटिंग इज प्रेसिडेड बाय द, कौन करता है बताओ इसकी, अब भाई साहब बताओ 58 में क्या आएगा राइट ऑप्शन, स्पीकर ऑफ लोकसभा आएगा, यहां पर वाइस प्रेसिडेंट का कोई रोल ही नहीं है उसमें यार, तुक्के मार रखे हैं, किसी बच्चे ने पेपर भेजा उसको सॉल्व करा रहा हूं मैं, मेरा स्टूडेंट नहीं है, ध्यान रखना,
59 की बात करूं तो इसमें मुझे डाउट है, है ना। इफ ये मुझे डाउट थोड़ा इसके अंदर भाई, हाफ ईयरली जो है ना, ये मुझे इसके ऊपर डाउट है। हाफ ईयरली इंक्रीज टू डियरनेस अलाउंसेज इन द पे ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन, मुझे इसका नहीं पता, मुझे इसका नहीं पता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। इसको तुम देख रहे हैं डाउटफुल केस है, इसलिए मैं इसका आंसर भी नहीं करा रहा हूं तुमको। 60 का राइट ऑप्शन इज सी, इंफ्रारेड वेव्स। 61 की बात करूंगा, 60 का आंसर सी, 61 में सी हुआंगजू आएगा, एशियन गेम्स वहां हुए थे। फेमस आर्टिस्ट अमजद अली खान इज नोन एज अ प्लेइंग फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बताओ। 62 की बात, राइट ऑप्शन इज ए, सितार, बिल्कुल सी। ऑपरेशन पवन की बात करूंगा, 63 द राइट ऑप्शन इज डी, ऑपरेशन ऑफ आईपीकेएफ इन जाफना ऑफ श्रीलंका, सबको पता है यहां पर दलबीर सिंह सुहाग का नाम आपको पता होना चाहिए। 64 द टेलीस्कोप इन स्पेस डैश, तो यहां पर क्या आएगा, 64 द राइट ऑप्शन इज बी, हबल आएगा, ध्यान रखना। ऑल द मेजर रिवर ऑफ डेक्कन प्लेटू मर्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल एक्सेप्ट, कौन सी नदी है, ध्यान रखना, नर्मदा नदी ध्यान रखना, कहां बहती है, ये अरब सागर में गिरती है, बाकी सब कहां, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, सब कहां गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, द राइट ऑप्शन फॉर द 66 वी हैव इज डी, ओ बिल्कुल सही है। द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, अरे फंस गए तुम लोग, माजुली आएगा, सुंदरबन, यार क्या बात कर रहा है, मतलब बिल्कुल ही तुक्के उड़ा के आए हैं बच्चे। विच कंट्री इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ध्यान रखना, कनाडा की 2,00,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, क्या कर रहे हो बॉस, है ना, ऐसे ही तो लोग फेल हो जाते हैं, रीजन तो यही है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तुमको दे रहा हूं इसके अंदर। नीति आयोग के ऊपर पिछले 2 साल से सवाल आ रहा है, फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं। 69 का राइट ऑप्शन कहेगा, फुल फॉर्म नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। येन इज द करेंसी, मैंने कहा था करेंसी सवाल है, बिल्कुल सही है, जापान है। ए डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट एसी टू डीसी, कौन करता है, राइट ऑप्शन इज फॉर सी, 71 इज बी, रेक्टिफायर, लोचा हो जाएगा भाई, लोचा हो जाएगा। इन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमीटर, इसके अंदर देखो बहुत सारे बच्चों ने क्या है, इसको भी क्या है, गलत किया है, अब यहां पर क्या है, बहुत सारे बच्चों ने इसको भी गलत किया हुआ है भाई। जो अल्टरनेटिंग करंट को इसमें कर दे, वो क्या होता है, इन्वर्टर नहीं भाई, वो रेक्टिफायर होता है। क्या होता है वो, द राइट ऑप्शन इज व्हाट, रेक्टिफायर। 72 की हम बात करेंगे तो 72 का राइट ऑप्शन क्या आएगा, ध्यान रखना, सी, बैडमिंटन आएगा, पुलेला गोपीचंद, उसी से ध्यान रखना। अगर मैं 73 की बात करूंगा, द राइट ऑप्शन इज सी, तमिलनाडु आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। सिलाम्बम इज एन एंशियंट वेपन बेस्ड मेटेरियल, आज ध्यान रखना, तमिलनाडु आएगा। व्हीलर आइलैंड की बात करेंगे तो भाई साहब क्या, व्हीलर आइलैंड का नया नाम क्या रखा गया, अबुल कलाम आइलैंड रखा गया, ध्यान, अटल आइलैंड नहीं रखा गया, गलत मारा है। टिटन इज ए मून ऑफ, बताओ किसका है, 75 द राइट ऑप्शन इज सी, सैटर्न, बहुत ही गलत कर रखे हैं भाई, बहुत ही ज्यादा बच्चे ने गलत कर रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज सपोज्ड टू बी द ग्लोबल वार्मिंग, 76 द राइट ऑप्शन इज ए, ध्यान रखना, साउथर्न ऑसिलेशन। इंसेक्ट दैट ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन आर रेफर टू एस, ध्यान रखना, 77 द राइट ऑप्शन इज क्या है, वेक्टर्स आएगा, ध्यान रखना यहाँ पर, कुछ भी कर रहे हैं यार लोग। व्हाट डज द बुल इन द नेशनल एम्बलम डिनोट, 78 द राइट ऑप्शन इज ए, हार्ड वर्क एंड सीड फार्नेस, बहुत तुक्के मार रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट लेक इज व्हाट, कैस्पियन सी, क्या है यहाँ पर, देखो फ्रेश वाटर की बात होती तो बात अलग थी, फ्रेश वाटर की बात होती तो यहाँ पर सुपीरियर आता, लेकिन क्या हो रही, लार्जेस्ट लेक की बात है, कोई भी हो, सोल्ट हो या फ्रेश हो, तो यहाँ पर क्या है, अलग कंसेप्ट है, ध्यान रखना। 80 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर्ड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल, कितने, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है, 80 का राइट ऑप्शन बिल्कुल सही सी है। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का क्या, डेवलपिंग है, ध्यान रखना। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी, आसान रिपीटेड क्वेश्चन, दोबारा से मैं फिर कहता हूं, ये 5,000 सवाल है, ठीक है ना, 5,000 क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप लोग मान के चलिएगा, 5,000 क्वेश्चन यहां पर क्या है, रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हो, ध्यान रखना। 10 बार मैं कह चुका हूं, मेरे पूरे कोर्स में तुम लोगों को कराऊंगा मैं, 127 के लिए तैयार हो जाओ, बेहतरीन रिजल्ट तुमको इस बार मैं देने वाला हूं। 82 राइट ऑप्शन इज 46, द फर्स्ट वर्ल्ड कप टेस्ट क्रिकेट वॉन बाय, 83 में ए, ध्यान रखना, ठीक है। मधुबनी के ऊपर जब क्वेश्चन है, 84 द राइट ऑप्शन इज ए, बिहार। नेम द वुमेन ऑफ इंडिया हिस्ट्री बिकम द फर्स्ट फाइटर पायलट, देन अवनी चतुर्वेदी, ध्यान रखना। विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार, रिपीट क्वेश्चन, 86 द राइट ऑप्शन इज डी, वीनस आएगा। फेमस कश्मीर वैली इज लोकेटेड बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड लद्दाख, फिर से फंस गए ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, अरे यार हिमालय को पढ़ना जरूरी है, ग्रेट लेसर और आउटर को पढ़ना बड़ा जरूरी है। 87 द राइट ऑप्शन इज सी, पीर पंजाल के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बोर्न डिजीज, आ गया ना सवाल डिजीज से, 88 में कॉलरा, ध्यान रखना। डैश डिक्लेयर द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, कौन आएगा, 89 द राइट ऑप्शन इज सी, एलिफेंट। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, फंस गए, सबको पता है, ये भी लोग गलत करके आए हैं, द राइट ऑप्शन इज क्या है, एरिया में क्या आएगा, एंटार्क्टिका आएगा या सहारा आएगा, चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, एक सवाल क्या है, कमेंट बॉक्स में क्या है, कमेंट करके बताना इस सवाल का आंसर क्या आएगा।
91 द अपर हाउस क्या होता है भाई, राज्यसभा होती है। इन द प्रेजेंट फॉर्म में इनकम टैक्स रूल्स जब भी 92 की बात आई तो राइट ऑप्शन इज 2.5 लाख का है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, सबको पता होना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, बी सही है। ए प्लटर इज यूज टू प्ले डैश 94 में क्या ऑप्शन आएगा, ए गोल्फ। विच फाउंडेड रामाकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल सही आंसर है। 95 में क्या आएगा, बी आएगा। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कैन नॉट ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ मून, इसको हम क्या है 97 को मैं नहीं 96 को मैं डाउट में। एस ओ एफ इज अ टर्म यूज टू डिनोट स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस किसकी है भाई एस ओ एफ, ये थोड़ा सा अलग सवाल था। अब मुझे बताना जरा ये क्या है, अब ये जो एस ओ एफ है ये स्पेशल जो फोर्सेस है किसकी कंट्री के पास है, इनको बोलते हैं स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, किस किस की, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, अपनी तो पैरा स्पेशल फोर्सेस होती हैं यार। तो ये कौन सी कंट्री की हैं, ये यूएस के पास भी होती हैं भाई, यूएस के पास भी होती हैं, इसको देखना बड़ा जरूरी है भाई, इसको देखना क्या है बड़ा जरूरी है, किस किस के पास है ये, है ना। अब यहां पर मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर किस किस के ऑप्शन में देख लेते एक बार, क्या इंडिया में, चलो पाकिस्तान की देखें, पाकिस्तान छोड़ो, अफगानिस्तान में क्या क्या है, अफगानिस्तान में तालिबान है आजकल, अफगानिस्तान में क्या है आजकल, तालिबान है, पाकिस्तान ही कह सकते, चाइना में क्या है, चाइना का क्या बताएं, वहां तो पीएलए होती है सबको पता है, लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान को क्या बताएं, बताओ भाई अब, ये भी कमाल की चीज है, बताओ ये भी देखना पड़ रहा है भाई, है ना। और ऐसे अब पाकिस्तान को तो क्या बता सकते हैं भाई, इसको तुम चेक कर लेना। एस ओ एफ किसकी होती है मुझे नहीं पता है, एस ओ एफ यहां पर कौन सी कंट्री की है वो आप एक बार देख लेना, आई एम नॉट श्योर, ठीक है ना, क्योंकि स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के नाम पर बहुत सारे क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, इसको डाउट लेता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कैन नॉट बी ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ मून, द 97 इज द राइट ऑप्शन इज डी, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नॉट लोकेटेड ईस्ट कोस्ट, अब ईस्ट कोस्ट पे कौन नहीं है भाई, अब तूतीकोरिन है, ये देखो तूतीकोरिन तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कोचीन, ये देखो कोचीन नहीं है, कोचीन में वेस्ट कोस्ट पे है, कोचीन कहां पर है, वेस्ट पारादीप उड़ीसा में है। इफ द लेंस इन आई बिकम्स ओपेक द डिजीज इज कॉल्ड, द डिजीज इज कॉल्ड, द राइट ऑप्शन इज सी, ग्लूकोमा। डैश हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, अब देखो फिर से लोचा होगा, द राइट ऑप्शन इज कंचनजुंगा, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं बॉस। K2 इज अ पार्ट ऑफ POK, K2 क्या है, इज अ पार्ट ऑफ POK, ध्यान रखना, K2 इज अ पार्ट ऑफ, ध्यान रखना ये क्या है, ये यहां पर एक तरीके से ट्रांस हिमालय का पार्ट है, किसका पार्ट है, K2 इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, ध्यान रखना। ऑन विच द वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व्ड, 101, ध्यान रखना डी इज राइट ऑप्शन है। नाउ 102 की बात करते हैं, राइट ऑप्शन इज सी, गवर्नर आएगा, ध्यान, हु अपॉइंट्स द लोक आयुक्त, गवर्नर, ठीक है। नाउ फोकस ऑन 103, द राइट ऑप्शन इज सी, 25 सितंबर, एलईडी, ध्यान रखना। 104, द राइट ऑप्शन लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। गीत सेठी एज ए प्रोमिनेंट मार्क किसमें है, ध्यान रखना। 105, द राइट ऑप्शन इज बी, बिलियर्ड्स में, ध्यान रखना। फॉलोइंग कंसीडर वेदा ऑफ द मेलोडीज एंड चेंट्स, ध्यान रखना। 105, द राइट ऑप्शन इज क्या, अगेन बी आएगा, ध्यान रखना। एंड 106, अगेन बी। 107 भी क्या है, यहां पर बी आएगा, ये फैक्ट्री वाला क्वेश्चन रिपीटेड, ध्यान रखना, रिपीट क्वेश्चन है। 108, अगेन यहां पर क्या आएगा, 108 में बी आएगा। 109, रीजन रिसीव रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट मानसून, ध्यान रखना, सबको पता है, राइट ऑप्शन इज सी, तमिलनाडु आएगा। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी आर, 1010, ध्यान रखना, 1110, राइट ऑप्शन इज सी, सेल्स। राइट ब्रदर्स किसके लिए थे, एरोप्लेन्स के लिए थे, सबको पता है, बहुत सही है। पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज, 112, राइट ऑप्शन इज क्या है, बी। फोकस 113, द राइट ऑप्शन इज क्या है, सी, अलेक्जेंडर ग्राम बेल, बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल। 10114, मार्क 3 लॉन्च व्हीकल, GSLV मार्क 3 लॉन्च व्हीकल, द राइट ऑप्शन इज बी, इसरो। इंजेन्युटी विच इज इन द न्यूज रिसेंटली, 115 में क्या आएगा, द राइट ऑप्शन इज क्या आएगा, सी आएगा, ध्यान रखना। सेज एंड सेक्रेड विच वर सीन इन द न्यूज आर द पोर्टल एसोसिएट, 116 में क्या आएगा, ध्यान रखना, द राइट ऑप्शन इज ए आएगा। 117, दादा साहब फाल्के अवार्ड में क्या आएगा, द राइट ऑप्शन इज बी, रजनीकांत आएगा। शक्ति निकेतन 118, द राइट ऑप्शन इज ए, रविंद्रनाथ टैगोर। 119 में यहां पर क्या आएगा, ध्यान रखना, सी, रीता फारिया। 120, अगेन सी, पीवी सिंधु, द फर्स्ट वुमन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये देखो भैया, देखो देखो। 121 में ए, सुषमा स्वराज। इन वेब पेज एड्रेस HTTP स्टैंड फॉर, मैंने बताया था फिर भी,
बहुत सारे लोग 112 में क्या आएगा, सिक्योरिटी से। ट्रिपल डब्ल्यू यार कमाल करते हो, ये भी लोगों ने गलत कर रखा है। बहुत सारे बच्चे इवन इसको भी गलत कर गए हैं, 123C आएगा। फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस ध्यान रखना इसमें क्या आएगा, कंप्यूटर के भी 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। 125 में देखते हैं ए, IIT गुवाहाटी बिल्कुल सही है। देन वी हैव IIT चेन्नई बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखना। एनर्जी स्वराज यात्रा बस में ध्यान रखना। 127 को ध्यान रखना। सी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर डिक्लेयर्ड द टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया, सबको पता है भाई 128 में क्या आएगा, द राइट ऑप्शन सी। इसको देखना पड़ेगा भाई, इसको एक बार चेक कर लेना, हो सकता है नागपुर आंसर हो, हो सकता है यहाँ पे क्या आंसर हो, हो सकता है यहाँ पे नागपुर आंसर हो, एक बार इसको चेक कर लेना। आई एम नॉट श्योर 128। 129 राइट ऑप्शन इज ए, जेट प्रिंटर, ठीक है। 1024 आर इक्वल टू ए, 1 MB, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इन साइंटिस्ट टू विन नोबेल प्राइज, सबसे पहले सीवी रमन को मिला था, ध्यान रखना, ठीक है। 131 फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन ए नोबेल प्राइज, फिजिक्स के लिए मिला था भाई सीवी रमन को। 132 आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। 133 को देखिए, हार्डवेयर ठीक है, इंटरप्रेटर बिल्कुल सही है। डिफॉल्ट ब्राउज़र ऑफ विंडो 10, 134 अगेन, 133 बी आंसर आएगा, 132 डी, 131 ठीक है, 132 सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही है, 133 द राइट ऑप्शन इज, तो फ्लोइंग इज ए हार्डवेयर यार, क्या है इसमें से हार्डवेयर, चेक कर लेना भाई एक बार। आई थिंक क्या पता सर्वर भी एक ऑप्शन हो सकता है, कि उसको आप चेक कर लेना। 134 विंडो 10, डिफॉल्ट ब्राउजर ऑफ विंडो 10 मोजिला है या गूगल क्रोम है, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल पूछ रखे भाई, बार चेक कर लेना इसको, या तो गूगल क्रोम होगा या क्या होगा, मोजिला फायरफॉक्स होगा। 135 वी हैव SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव यहां पर बता रहा है। SSD इन कंप्यूटर क्या होता है, एक बार इसको देख लेना, मेरे हिसाब से तो मैं गलत नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार आप चेक कर लेना, ध्यान रखना, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नाउ वी हैव 135 हो गया, बी आएगा। नाउ वी हैव 136, वी हैव 136 APJ कलाम, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कलाम ही, ध्यान रखना। 137 में देखो भाई, MOM सबको पता है, 137 में आंसर क्या होगा, बी, 5 नंबर 13 में आएगा, ध्यान रखना। आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया नेपाल में भूटान बॉर्डर कौन सी है भाई, इंडो तिब्बतन होती, बिल्कुल सही है। 138 में द राइट ऑप्शन इज SSB होती है, एक बार इसको भी चेक कर लेना भाई, मेरे हिसाब से तो इंडो तिब्बतन ही मिलेगा आपको नेपाल बॉर्डर पर, तो ठीक है ना, नेपाल भूटान बॉर्डर पर आपको मिलेगा, ITBP होता है, देख लेना एक बार जरा, ठीक है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर CRPF नहीं होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे इज, 139 वी हैव ईस्टर्न रेलवे, देख लेना भैया यहाँ पे कोलकाता हाजीपुर, ठीक है ना, इसको भी जरा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, गलत तो होऊंगा नहीं, फिर भी देख लेते हैं। ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता, क्या आंसर इसका, इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है कोलकाता, ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। 139 वी हैव दिस, 140 अर्जुन अवार्ड, ठीक है, ए। 141 हु वाज़ द फर्स्ट वन टू रिसीव परमवीर चक्र, मेजर सोमनाथ, बिल्कुल सही है। 141 बी बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी इज द फर्स्ट रेवरेंट फादर ऑफ द नेशन, किसने कहा था राष्ट्रपिता इसको, अरे क्या बात है, इतना गलत मारोगे, सुभाष चंद्र बोस राइट ऑप्शन है। हे राम वर द लास्ट वर्ड बिफोर मार्टिरडम बाय, बताओ किसने कहा, ध्यान रखना, ए, महात्मा गांधी। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, यहां पर क्या आएगा, 144 द राइट ऑप्शन इज बी, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी USB स्टैंड फॉर, ठीक है। 145 ए बिल्कुल सही है इसका। हु इज द फॉलोइंग क्रेडिट विद द डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन, 146 में गलत कर दिया, बी आना चाहिए शायद, जो ना साल के बाद चेक करना। इन इंडिया कोवैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, ध्यान रखना, 147 ए आंसर है, ध्यान रखना इसका। विच कंपनी हैज लॉन्च फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इन इंडिया, ध्यान रखना। 147 हो गया, 148 वी हैव द राइट ऑप्शन इज बी, अमेजोन को देख लेना एक बार। 49 द बार्क ऑफ विच प्लांट यूज एज ए स्पाइस, 149 में क्या आएगा, ए, ठीक है। 150 में यहां पर क्या आएगा, सी, दिस इज ऑल अबाउट योर CGAT, क्या है ये,
ये किसके बारे में यहाँ पर CAGT के हैं, पूरी आंसर की हैं, जो भी गलत हो, गलती मेरे से भी हो सकती है, आप प्लीज उसको मैच करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ACC 127 कोर्स स्टार्ट हो चुका है, ये ACC 127 लिख के इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना एंड डू इनरोल, फाइट करेंगे, ओनली 100 सीट्स वी हैव, जोर लगा देंगे भाई, सिलेक्शन निकालेंगे इस बार भी, सो टेंशन मत लेना, मेहनत करेंगे तो रगड़ देंगे। जय हिंद।